11 राज्यों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की तैयारी में ईसी, आज अधिकारियों से होगी चर्चा। ईरान से बदला लेने के संकल्प के बाद इसराइल ने बढ़ाई अपनी सुरक्षा, सैन्य कर्मियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश। उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार में फिर टकराव, राजनिवास ने लिखा गृह मंत्रालय को पत्र, हुकूमत ने किया पलटवार। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने थामा भाजपा का दामन, कांग्रेस पार्टी पर लगाया दिशाहीन होने का आरोप। सुरजेवाला के बयान को लेकर कांग्रेस पर बरसी भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाच। घोषणा पत्र समिति की बैठक में शामिल हुए केशव प्रसाद मौर्य, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पहली बार राज्यसभा सांसद बने सोनिया गांधी, सभापति जगदीश धनखड़ ने दिलाई सदस्यता, बेटी प्रियंका भी थी मौजूद। सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता कहकर कांग्रेस छोड़ने वाले गौरव वल्लभ ने थामा भाजपा का दामन। किसी ने डीडी और रेडियो पर चुनाव प्रचार के लिए समय किया आरक्षित, राजनीति दल को मुफ्त में मिलेंगे करीब 130 घंटे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी कर दी एक और लिस्ट, 3 उम्मीदवारों का किया ऐलान। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।